إلى مموت. Good morning everyone. Good morning. सब लोग अच्छे से हो ना? Yes sir. सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? Yes sir. हर हफ्ते हम लोग एक विशेष विषय पे चर्चा करते हैं. करते हैं ना? Yes sir. आज का जागरूकता पाठ है, उसका विषय है प्लास्टिक प्रदूषण. क्या? प्लास्टिक प्रदूषण. प्लास्टिक पॉल्यूशन. प्लास्टिक प्रदूषण. तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो मैं पूछूंगा उसको आप बताएंगे. आप लोग देखते थे कि कुछ साल पहले, आज 10-15 साल पहले, जब आपके मम्मी पापा या फिर आपके भाई बहन लोग बाजार जाते थे, तो बैग कौन सा झोला ले जाते थे? नहीं, कपड़े का झोला ले जाते थे ना? सब्जी लाना हो, फल लाना हो, कुछ भी लाना हो, अनाज लाना हो, तो किसका झोला ले जाते थे? कपड़े का. आज तो कपड़े का झोला क्या हो गया? कम हो गया है ना? जी. क्यों कम हो गया है? क्योंकि आज हम लोग हर चीज को धोने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक बैग. क्या करते हैं? प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग देखा है सबने ना? जी. कैसा होता है? तो आखिर सवाल है कि प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक बड़ी मजबूत होती है. क्या होती है प्लास्टिक? मजबूत होती है. क्या होती है? मजबूत. और दूसरी चीज, प्लास्टिक बहुत सस्ती होती है. क्या होती है? बहुत सस्ती. अब कभी भी तुम बाजार में जाते हो, आम लाने, फल लाने, सब्जी लाने, गेहूं लाने, चना लाने, चीनी लाने, घी लाने, तेल लाने, तो किसमें मिलता है? प्लास्टिक में. प्लास्टिक में मिलता है ना? तो पहला सवाल, प्लास्टिक है क्या? आखिर प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक होता है इथाइलीन का पॉलीमर. क्या होता है? ये बड़ा खतरनाक केमिकल होता है. ये जो प्लास्टिक बना होता है, बड़े खतरनाक केमिकल से बना होता है. अब बताओ, हम लोग को देखने में लगता है कि प्लास्टिक बड़ा फायदेमंद है ना? लगता है ना? जी. कभी तुमने देखा है कि गांव के आसपास तुमने देखा होगा जहाँ पे कूड़े ढेर लगा हुआ है? जी. है ना, नालियां जहाँ है, तालाब जहाँ है, नदियां जहाँ है, हर तरफ प्लास्टिक फैली हुई है कि नहीं? जी. फैली हुई ना? जी सर. और प्लास्टिक क्या फैलाती? गंदगी फैलाती. तो प्लास्टिक के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं. क्या नुकसान होता है? पहला कि प्लास्टिक जो होती है, जमीन में जब हम इसको गाड़ते हैं ना, या जमीन में फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक जानते हो हजारों हजारों साल तक खराब नहीं होती है, वैसे ही जमीन में पड़ी रहती है. तो वो क्या करेगी? जमीन को बंजर बनाती है. क्या करती है? जमीन को जमीन को क्या बनाती है? ये जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ये कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो कूड़ेदान से कहा जाती है, नालियों में चली जाती है. कहा चली जाती है? नालियों में. नालियों में. अब नालियों में जाके फंस जाती है. क्या होती है? फंस जाती है. शहरों में बड़े बड़े नाले होते हैं, ठीक है, नदियां होते हैं, नाले होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें प्लास्टिक जाके इकट्ठा हो जाती है. क्या जाती है? इकट्ठा हो जाती है. अब बताओ, शहरों में एक बड़ी समस्या है कि जो कूड़े फेंके रहते हैं ना, कूड़े, उस कूड़े में सबसे ज्यादा क्या होती है पता है? प्लास्टिक. और सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक की, वो खत्म नहीं होती है. अब प्लास्टिक है, जैसे कागज है, कागज का तुमने कोई चीज लिफाफा इस्तेमाल किया, झोला इस्तेमाल किया, उसको फेंक दोगे तो कागज अपना सड़के गल जाता है ना? लेकिन प्लास्टिक गलती नहीं. शहरों में कभी कभी जान तो देखने में क्या आता है कि गाय जो होती, गाय, भैंस, कुत्ते, बैल, ये क्या करते हैं? सांड लोग खा लेते हैं. खा लेते हैं. क्या करते हैं? खा लेते हैं. उनके पेट में प्लास्टिक जाके इकट्ठा हो जाती है. क्या होती है? इकट्ठा. और उनकी मृत्यु हो जाती है. क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है. जो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नदियों में बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में. कहाँ चला जाता है? समुद्र में. तो समुद्र में प्रदूषण हो जाता है. क्या हो जाता है समुद्र में? प्रदूषण. बताओ, नदी तालाब में, समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं, वो प्लास्टिक खाते हैं. क्या खाते हैं? प्लास्टिक. उनको तो पता नहीं है कि ये खतरनाक है. वो बेचारे खा लेते हैं. और खा लेते तो उनके पेट में प्लास्टिक जाती है. और प्लास्टिक जब पेट में जाती है तो पचती नहीं है. वो जिंदगी भर उनके पेट में रहती है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है. अब प्लास्टिक के नुकसान, ये तो हमने बताया तुम्हें ना, कि जमीन में जाके जमीन को बंजर कर देती है, पूरे शहर भर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, गंदगी हो जाती है, प्लास्टिक कभी खराब नहीं होती है, समझ गया? इसीलिए लोग इस्तेमाल करते हैं. प्लास्टिक से नदियों में, नालों में, समुद्र में, जमीन में गंदगी और प्रदूषण फैलता है. क्या फैलता है? गंदगी और प्रदूषण. प्लास्टिक सड़ती गलती है हजारों साल बाद,
तो जमीन में खतरनाक केमिकल छोड़ती है। क्या छोड़ती है? केमिकल, जिससे जो जमीन है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर। इसका प्रयोग कैसे रोकें? इससे बताने से पहले हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, पता है ना? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिबंध। मतलब ना आप प्लास्टिक खरीद सकते हो, ना प्लास्टिक बना सकते हो, ना प्लास्टिक बेच सकते हो, ना प्लास्टिक का व्यापार कर सकते हो। अगर जिस आदमी के पास प्लास्टिक पाई जाएगी, जिस दुकानदार के पास, तो उस पर जुर्माना लगता है। क्या लगता है? और जेल भी भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? तो सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उत्तर प्रदेश में अब पन्नी का इस्तेमाल बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। तो अब बताओ, पन्नी का इस्तेमाल बंद हो गया, अब तुम सामान कैसे लेने जाओगे? शाबाश, वेरी गुड। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने कोई नियम कानून बनाया है, हमारे लिए बनाया है ना, पर्यावरण के लिए बनाया है ना। प्लास्टिक से बहुत नुकसान हो रहा था ना, प्लास्टिक से प्रदूषण फैल रहा था, नदी नाले में प्लास्टिक इकट्ठा हो जा रहा था, जिससे वहाँ पे बरसात का पानी नहीं जा पा रहा था, वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जा रहा था, जीव जंतु खा के बीमार हो जा रहे थे, मर जा रहे थे। तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए कि नहीं? कैसे साथ दोगे? कि आज से तुम लोग ये शपथ लोगे कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक के देखते हो बोतल, जी सर, उसको कूड़ेदान में रख दो, कबाड़ी वाले को भेज दो। प्लास्टिक के दोने आते हैं, जी सर, उसका प्रयोग नहीं करोगे। प्लास्टिक के गिलास आती हैं, जी सर, उसका प्रयोग नहीं करोगे। प्लास्टिक की पन्नियां, जी, उसका प्रयोग नहीं करोगे। जब भी बाजार जाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा या कोई और रिश्तेदार बाजार जाते हैं, तो बाजार कैसे जाओगे? कपड़े का झोला। जब कपड़े का झोला ले जाओगे तो उसमें अपना सामान आसानी से रख लोगे और अपना सामान ले आओगे। अब प्लास्टिक का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, तुम्हें भी नहीं करना है, और अपने घर में आसपास सभी घर वालों को ये बात बताओगे। कोई दुकानदार अगर प्लास्टिक में कोई चीज दे रहा है, तुम क्या कहोगे? भैया, प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदायक है, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करो। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको?